टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया, उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके सब टाइप स्टडी किए। डिकम्पोजिशन के अंदर हमने सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके बाद हमने फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और जो थर्ड हमने किया था डिकम्पोजिशन के अंदर वो क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मीन्स जो डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से हो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो। ठीक है, जो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच एन एटम डिस्प्लेस एन एटम फ्रॉम कंपाउंड। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या बताया, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एन एटम डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब होता है उसको डिस्प्लेस कर देगा। द रिएक्शन इन विच एन एटम डिस्प्लेस एन एटम फ्रॉम कंपाउंड्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होगा, एक एटम क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा दूसरे एटम को किसी भी कंपाउंड में से, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छी तरह से समझना है तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर एग्जांपल लूँ मैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, गिव आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये हमने आयरन नेल वाला जो क्वेश्चन कराया था उसके अंदर भी ये वाली सेम इक्वेशन यूज की थी। इसके अंदर क्या है, ये जो आयरन है, ठीक है, जो ये एटम आयरन का, ये क्या करेगा, इस कॉपर वाले एटम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकलेगा। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो दूसरा एग्जाम्पल है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, ये भी किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। यहाँ पे जिंक वाला एटम क्या करा है, कॉपर एटम को रिप्लेस करा है, बिकॉज जिंक जो एटम मोर रिएक्टिव देन किससे, कॉपर से। तो क्या होगा, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉपर बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता लगा, डिस्प्लेस करना मीन्स एक मोर रिएक्टिव एटम, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा एक लेस रिएक्टिव जो एटम होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।